चेतन चौहान का निधन हो गया। मेदांता गुरुग्राम में चेतन चौहान का निधन हुआ है। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया, बहुत ही दुखद खबर। मेदांता के गुरुग्राम में चेतन चौहान का इलाज चल रहा था, पहले लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद वहां से रेफर किया गया, फिर गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना के कारण चेतन चौहान की किडनी में संक्रमण बढ़ गया था। शनिवार शाम दिक्कत बढ़ने पर कैबिनेट मिनिस्टर को लखनऊ पीजीआई से मेदांता गुरुग्राम लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की विशेष टीम इलाज कर रही थी। और अभी ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि चेतन चौहान का निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। कोरोना के चलते दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका निधन हुआ है, बहुत ही दुखद खबर। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते किडनी में संक्रमण बहुत बढ़ गया था और यही वजह बताई जा रही है उनकी निधन की। वेंटिलेटर पर रखा गया था कल से ही इन्हें और तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही थी। अपनी बेबाक राय रखने के लिए चेतन चौहान जाने जाते थे। अभी फिलहाल उनका निधन हो गया है। योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी, नागरिक सुरक्षा विभाग, ये सारे मंत्रालय वो संभाल रहे थे। पीजीआई से मेदांता रेफर किया गया था और अभी ये बहुत ही दुखद खबर भारत समाचार के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पता चल रही है कि पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान का निधन हो गया। अमरोहा जिले के नौगावा विधानसभा से विधायक चुने गए। क्रिकेट से संन्यास लेकर वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अभी इस बीच एक दुखद खबर आई है कि उनका दुखद हो गया है, निधन हो गया है। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और ये दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी कोरोना के बाद उनकी मौत हुई है, निधन हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज रहे, 1983 विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे और अभी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। खेल मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद होमगार्ड, कल्याण, पीआरडी, नागरिक सुरक्षा विभाग के भी मंत्री रहे। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। और इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर हमें पता चल रही है, कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान का निधन हो गया, बहुत ही दुखद खबर। पीजीआई से मेदांता रेफर किया गया था और अभी ये जानकारी मिल रही कि उनका निधन हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान का निधन हो गया है। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आवेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको, बताइए दर्शकों को। चेतन चौहान जो हैं वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, उनको कोरोना भी था और किडनी की भी प्रॉब्लम जो है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई कोरोना की वजह से। और उसके बाद आज बताया जा रहा है, जो खबर आ रही थी चेतन चौहान जो है वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। एक बड़ी क्षति जो है वो राजनीति कहा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति को हुई है, इसके अलावा जो भारतीय क्रिकेट जगत है उसको भी एक बड़ा नुकसान जो है वो है, क्योंकि चेतन चौहान जो है वो एक ऐसे राजनीति है जिसने राज काम कमाया है, अलावा जब दौरान गवास्कर के साथ वो करने उतरा करते थे और अच्छी तरीके से बैटिंग जो है वो करते थे, एक बड़ा नुकसान है उसकी खबर आ रही थी। मेदांता गुरुग्राम के अस्पताल में चेतन चौहान का आज थोड़ी देर पहले जो है वो निधन हो गया। बिल्कुल थोड़ी देर पहले निधन हुआ है, क्या जानकारी मिली, किडनी में भी संक्रमण था ऐसी जानकारी मिल रही है आवेश? बिल्कुल, चेतन चौहान की किडनी में
डॉक्टर था वो कोरोना से ग्रसित भी थे, जिसके बाद फिर उनको उसी से अच्छे उपचार के लिए जो है वो अस्पताल वही अस्पताल में 5 दिन पहले अमित शाह भी एडमिट थे और वहाँ से